बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच आज एशिया कप टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अब बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ग्रुप टू में सुपर फोर में जाने की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखकर लगा कि अब सुपर फोर के मुकाबले खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इन दोनों टीमों की बहस इतनी बढ़ गई कि इस विवाद को शांत कराने के लिए खुद एम्पायर को बीच में आना पड़ा। वीडियो में जाने इस मैच से जुड़े कुछ अहम बातें और कैसे इस जीत के साथ बांग्लादेश ने अफगानिस्तान से बदला भी ले लिया। श्रीलंका के खिलाफ करारी हार झेलने वाली बांग्लादेश टीम में सीख लेते हुए आज के मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से पहले शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ये मैच बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरा था। अफगानिस्तान के आज के मुकाबले में किए गए प्रदर्शन को देखकर लगा ही नहीं कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर खेलने उतरी है, जिसकी वजह ये रही कि अफगानिस्तान की टीम में मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे स्टार गेंदबाज होने के बावजूद अफगानिस्तान टीम विकेट के लिए तरसती रही, जिसका नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश इस मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 334 रन बनाने में सफल रहा। बांग्लादेश की तरफ से नजबुल हुसैन, शांतो और मेहंदी हसन मिराज ने शानदार शतक जड़े। दोस्तों, खिलाड़ियों के शतक की बदौलत बांग्लादेश टीम पहली पारी में 300 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। हालांकि इस मुकाबले में बांग्लादेश की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही, जिसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश टीम की तरफ से मोहम्मद नईम और तौहीद हरदोई सस्ते में ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद इस मुकाबले में शाकिब की जगह मिराज को ऊपर क्रम पर भेजा गया, जिन्होंने इस मिले मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 119 गेंद में 112 रन बनाए। हालांकि इस बीच उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने शतक की बदौलत टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया। बांग्लादेश टीम के लिए शांतो आउट, मिराज ने 215 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। इस मुकाबले की दूसरी पारी में अफगानिस्तान टीम की तरफ से इब्राहिम जदरान ने 75, हशमतुल्ला शहीदी ने 51, रहमत शाह 33 और राशिद खान 24 को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका, जिसके चलते अफगानिस्तान ने यह मैच 89 रन से गवा दिया। अफगानिस्तान की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई। अफगानी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। इस मुकाबले की दूसरी पारी के दौरान जब अफगानिस्तान टीम को 36 गेंद में 91 रन चाहिए थे, इस बीच क्रीज पर मौजूद मुजीब उर रहमान ने तस्कीन अहमद के 46वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। हालांकि इस दौरान उनका पैर विकेट पर जा लगा, जिसके चलते वो हिट विकेट आउट हो गए। इतना ही नहीं, इस ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने बड़ा शॉट खेला जिसे शाकिब अल हसन ने कैच कर लिया और इस तरह से इस ओवर में ही अफगान टीम हार गई। इस मुकाबले के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब मैदान पर दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच गर्मजोशी का माहौल देखने को मिला। दरअसल इस मुकाबले की दूसरी पारी के 7वें ओवर में बांग्लादेश खिलाड़ी अपना आपा भी खोते हुए नजर आए। जब हसन महमूद ये ओवर डाल रहे थे तो इस दौरान उनके सामने स्ट्राइक पर रहमत शाह मौजूद थे। ऐसे में हसन ने जब इस ओवर की दूसरी गेंद फेंकी तो रहमत शाह ने इस गेंद को बड़े ही आराम से डिफेंड किया, लेकिन हसन महमूद तो मानो किसी और ही मूड में थे, जिसके छक्के उन्होंने इस गेंद को सीधे रहमत की ओर हिट कर दिया। तेज हाथों से फेंकी गई इस गेंद पर रहमत बाल बाल बचे, लेकिन इस हरकत के बाद वो काफी गुस्से में नजर आए। वीडियो में देखा गया कि रहमत शाह इस दौरान अपनी क्रीज से निकले भी नहीं थे, उसके बावजूद हसन का थ्रो खेल भावना को चकनाचूर कर देने वाला था। इतना ही नहीं, हसन को इस हरकत के बाद उनकी टीम के साथ ही खिलाड़ी तस्कीन अहमद उनके कंधों पर हाथ रखते हुए पिच से दूर ले जाने लगे, लेकिन इस बीच उनके चेहरे पर हंसी भी दिखाई दी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इस हरकत को लेकर अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफी निराश और हताश दिखाई दिए। हालांकि इस बीच एम्पायर पिच पर आ गए और इस मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन यह इस मुकाबले का काफी हाई लाइट मोमेंट बन गया। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान इस हार के बाद अब भी सुपर फोर में जगह बना पाएगा या श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर फोर में आसानी से जगह बना लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।